नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूरोप चैनल पीएसटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बिहार सचिवालय सहायक मेंस रिजल्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है, आखिर बिहार सचिवालय सहायक मेंस रिजल्ट विभाग कब जारी कर रहा है, विभाग के अंदर क्या चल रही है, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो बनाए थे बिहार सचिवालय सहायक पीटी का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो जो डेट बताए थे उसी डेट में विभाग बिहार सचिवालय सहायक पीटी का रिजल्ट जारी किया। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं जो बिहार सचिवालय सहायक मेंस का रिजल्ट विभाग कब जारी कर रहा है, जो डेट बताएंगे उसी डेट को विभाग जारी करेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में बताए थे पीटी के बारे में तो वह उसी डेट को जारी हुआ। तो अभी विभाग के अंदर क्या चल रही है, आखिर विभाग बिहार सचिवालय सहायक का रिजल्ट कब जारी कर रहा है, मेंस का सारी जानकारी वन बाय वन करके वीडियो में बात करने वाले हैं। और आपके मन में जितना भी प्रश्न चल रहा है बिहार सचिवालय सहायक मेंस का रिजल्ट के रिगार्डिंग, सारे प्रश्न का आंसर इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सारी जानकारी वन वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं, विभाग के अंदर क्या चल रही है, विभाग बिहार सचिवालय सहायक मेंस का रिजल्ट कब जारी कर रहा है। तो दोस्तों अभी जो अपडेट निकल के आ रही है, बहुत सारा स्टूडेंट परेशान हो रहा है, इसलिए रिजल्ट आपको विभाग सितंबर के चौथा सप्ताह में जारी किया जाएगा, मतलब 29 या 30 सितंबर को आपको बिहार सचिवालय सहायक मेंस का रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट रेडी है। रिजल्ट रेडी होने के बाद उसके बाद भी कई क्राइटेरिया होता है, वह फुलफिल करना पड़ता है, उसके बाद विभाग रिजल्ट जारी करता है। दूसरी बात बताए थे तो आपको भी पता होना चाहिए, जो पटना हाईकोर्ट की तरफ से रिजल्ट पे कोई रोक नहीं लगा है, बस विभाग डर रहा क्योंकि मेरा जो है इज्जत और नहीं उछले, क्योंकि पूरा जो है आपको भी बताया विभाग कितना खोखला हो चुका है, उन पर कितना आरोप लगाया गया, इसीलिए विभाग ये भी एक बात है। और दूसरी बात है आपका रिजल्ट तैयार हो गया, और दो तीन और ऐसा है जो रिजल्ट होने के बाद भी जो काम होता है वो काम करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जो अपडेट निकल के आ रही है आपको कल शाम तक या परसों तक एक आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा, जो स्टूडेंट परेशान है, हर चीज़ है, बार बार आयोग को मेल किया जा रहा है, तो आपको विभाग एक नोटिस जारी करके बता देगा जो आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। और आपका रिजल्ट सितंबर के चौथा सप्ताह में जारी किया जाएगा, 29 या 30 सितंबर को आपको बिहार सचिवालय सहायक मेंस का रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों जो अपडेट निकल के आ रही है वही अपडेट हम आपके बीच शेयर किए। दूसरी बात है जो पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा है उसका सुनवाई आपको 20 सितंबर को, तो पटना हाईकोर्ट की तरफ से रोक नहीं लगा गया है रिजल्ट पर, रिजल्ट विभाग जारी कर सकता है, बस विभाग डर रहा जो हो सकता है हम रिजल्ट जारी कर दे, उसके बाद पटना हाईकोर्ट की तरफ से कोई ऐसा अपडेट आए जो सभी शिफ्ट को रद्द करके फिर से नए सिरे से एग्जाम लिया जाएगा, तो मेरा इज्जत क्या रहेगा, इसलिए उससे भी विभाग डर रहा है। और आपका रिजल्ट पूरा रेडी है, उसके बाद जो दो चार ऐसा वर्क है जो विभाग कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट होने के बाद भी दो चार ऐसा वर्क होता है विभाग के अंदर, वो करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। तो दोस्तों पहले आपका रिजल्ट बता दिए हैं जो 29 से 30 सितंबर को विभाग जारी करेगा, उसी डेट में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपको नोटिस कल से परसों तक आपको देखने को मिल जाएगा नोटिस, जो इतना स्टूडेंट परेशान है, बार बार विभाग को मेल कर रहा है, उसके बाद जो उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है पूछने के लिए इन्फॉर्मेशन, उस पर भी बार बार कॉल किया जा रहा है, इसलिए विभाग एक नोटिस जारी करके आपको यह आश्वासन दे देगा जो आपका रिजल्ट कब आ रहा है। तो आई होप कि आपके मन में जितना भी प्रश्न चल रहा था बिहार सचिवालय सहायक मेंस रिजल्ट के रिगार्डिंग, सारे प्रश्न का आंसर मिल चुका है। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा बिहार सचिवालय सहायक मेंस रिजल्ट के रिगार्डिंग, वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।